नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। दोस्तों आज सेक्शन 30 हम लोग पढ़ते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का। सेक्शन 30 बोलता है री मैरिज को लेकर के है सेक्शन 30। री मैरिज ऑफ डाइवोर्स पर्सन। अब क्या हुआ देखिए, आप दो पार्टी पहुंच गए कोर्ट, भाई डाइवोर्स लेना है, डाइवोर्स ले लिए, हो गया डाइवोर्स, डाइवोर्स की डिग्री आ गई, जजमेंट आ गया, अब लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है। आ जाने के बाद अब पार्टी को लगता है यार हम लोग को तो साथ रहना है, ये हमने क्या कर दिया, हमसे गलती हो गई, हम लोग तो साथ ही रहेंगे, अब क्या कर सकते हैं, अब अपील कर सकते हैं। वो जो जजमेंट कोर्ट दिया है डाइवोर्स को लेकर के, वो जजमेंट के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। कौन कर सकता है? दोनों पार्टी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी पार्टी कर सकता है, अपील कर सकता है और अपील में बोले कि भाई ये फैसला आप ले लो, हम लोग तो साथ रहेंगे। लेकिन अगर कोर्ट में वो अपील एक्सेप्टेबल नहीं की जाती है फॉर द रीजन कि अपील जिस पीरियड के अंदर अपील करनी चाहिए थी वो पीरियड लैप्स हो गया, मतलब टाइम बियर्ड बोलते हैं इसको, तो टाइम बियर्ड होने के कारण अपील कोर्ट में या तो एक्सेप्टेबल नहीं है, या कोर्ट एक्सेप्ट किया तो अपील को डिसमिस कर दिया, कोर्ट उस अपील को माना नहीं। अगर ये अगर कारण हो जाता है तो सेक्शन 30 ये पावर देता है डाइवोर्स्ड पार्टियों को कि वो लोग फिर से शादी करें, वो लोग फिर से शादी करें। तो ये था आपका सेक्शन 30 री मैरिज ऑफ डाइवोर्स पर्सन्स को लेकर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।